फाइनली भी पहुंच चुके हैं खेतवाड़ी और ये अपनी दूसरी तीसरी गली है। यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से टोटल 14 गलियाँ हैं आगे। जैसा मेरे को लग रहा है शिवाजी महाराज का कुछ है। ये देखो कैसे अपने बिल्डिंग के रेसिडेंशियल एरिया के बाहर ही जानवर घूम रहे हैं। मूर्ति बहुत ही ज़्यादा बड़ी है भाई, बहुत ज़्यादा लंबी है भाई। तो गाइस बहुत ही प्यारे डिटेलिंग है, देख रहे हो गणपति जो अपने अपने चलते यार आपको दर्शन कराते हैं। सबसे लंबी मूर्ति का मुंबई का जो कि है 45 फीट। श्री अकाल पिताजी, माय नेम इज गुरजीत सिंह, आई एम बैक विद यू गाइस। सो नए दिन के साथ शुरुआत हो चुकी है। सो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं मुंबई के गणपति दर्शन करने के लिए, जो कि खेतवाड़ी बहुत ही ज्यादा फेमस प्लेस है मूर्तियों के लिए गणपति बाप्पा के। और वहां पे सबसे बड़ी मूर्ति मुंबई चला जा 44 फीट की मूर्ति है गाइस, वो भी देखने का ट्राई करेंगे। वहां पे देखते हैं अभी कहां कहां दर्शन कर पाते हैं, क्योंकि हमको लेट हो चुका है। हम लोग 4 बजे निकले हैं अभी शाम के, तो पता नहीं अभी 5:30-6 बजे तो हम वहां पे पहुंचेंगे। तो देखते हैं जो भी गणपति आपको दिखावा है वो दर्शन कराएंगे आपको। और लालबाग का भी अरेंजमेंट चल रही है, जैसे ही पास हुए VIP से हम लोग चलेंगे लालबाग का राजा देखने के लिए। अगर नहीं लालबाग का राजा अरेंज हुआ भाई पाएगा तो हम लोग लाइन में धक के भी जाएंगे भाई, वो अगर प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी जा रहा हूँ मैं एक्सप्लोर विद अमरीक के साथ, मेरे भाई के साथ, जो कि दिल्ली से आए हैं स्पेशली मुंबई दर्शन करने के लिए, जो कि हर साल आते हैं सिर्फ गणपति दर्शन के लिए दिल्ली से गाइस। तो उनको भी एक्सप्लोर कराते हैं, वो भी साथ में चलेंगे और मैं भी। सो लेट्स गो, अभी वो उल्लास पहुंच चुके हैं, मैं भी बस पहुंचने वाला हूं। चलते हैं मेरी सिमरन के साथ, वहां पे रुका देंगे। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं सैंडेस रोड और मेरे भाई है मेरे साथ अमरीक भाई। और भाई कैसे हो? बढ़िया भाई, बढ़िया। कैसा लग रहा है मुंबई की वाइब्स? बहुत बढ़िया भाई, मैं यही एक्सप्लोर करने के लिए आया था और आप सभी व्यूअर्स को भी यार यही देखने के लिए आना चाहिए यार। बारिश के नाते ना आप बैठ जाते हो घर के अंदर, लेकिन यार आप आओ, मजा आ रहा है भाई बहुत ज्यादा। भाई को मैंने यही बोला कि भाई इतनी बारिश पड़ रही है चलेंगे नहीं, बोलते बारिश से पड़ती रहेगी, हम लोग छुप छुप के चलेंगे, पर चलना है भाई को। भाई देखो इसमें तो है, सैंडर्स रोड पहुंच चुके हैं गाइस। तो अभी चलते हैं, यहाँ पे ना आवाज आ रही है बैंजो की, देखते हैं अगर गणपति बाप्पा रहेंगे तो ये डांस करें ना करें, मैं जरूर करूंगा और आपको भी डांस करवाएंगे। चलो, और अभी बज रहे हैं शाम के 6, मतलब हम लोग को 1.5 घंटा बसने में लग ही गया। बैंजो की आवाज़ सुनी, हम जाके वहाँ पे नाचने लग गए भाई, बीट्स की आवाज़ सुन के बहुत नाचने का मन करता है। और अभी हम लोग जा रहे हैं खेतवाड़ी, उसके लिए हम लोग को बस पकड़ना पड़ रहा है या तो टैक्सी करनी पड़ेगी। भाई क्या कर रहे हैं अपन बस की टैक्सी? देखते हैं अभी, तो जो भी सूटेबल होगा, जो भी जल्दी मिल जाए उसमें हम चलते हैं और जल्दी से जल्दी पहुँचना है यार, क्योंकि यार बहुत सारी गणपति से वहाँ पर ज़्यादा हाइएस्ट वाली जैसे हाइट की है ना, वो भी दर्शन करने हैं। तो देखते हैं जो भी अपने पास जो भी हुआ सबसे पहले आपको बता रहे हैं, ब्लॉग में बने रहना एंड तक देखना गाइस, बहुत मज़ा आने वाला है। तो गाइस हम लोग फाइनली भी पहुंच चुके हैं खेतवाड़ी और ये अपनी दूसरी तीसरी गली है। यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से टोटल 14 गलियाँ हैं आगे। तो ये अपनी दूसरी तीसरी गली है, यहाँ पे भी 28 फीट की गणपति है गाइस। अभी हम भी दर्शन करते हैं, यहाँ पे लाइन लगी पड़ी है और आपको भी दर्शन करवाते हैं भाई के साथ। चलो भाई लाइन में लगते हैं। गाइस जो दूसरी तीसरी गली की गणपति है, जो कि हम लोग तो अभी एंट्री मिल गई डायरेक्ट, देखो कितनी बड़ी लाइन लगी पड़ी। चलते हैं आपको डायरेक्ट पापा के दर्शन करवाते हैं। चप्पल बन गए हम जाने, ये यूट्यूबर होने का एक छोटा सा फायदा कि हम बोलते हैं लोग ब्लॉग बनाने को एंट्री मिल जाती है। समुद्र मंथन हो रहा है,
तो गाइस हमारी फर्स्ट गणपति के दर्शन बहुत अच्छे से हो चुके हैं। अभी हम लोग जाएंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट गली में, देखते हैं अभी कौन सी और मूर्ति है। तो गाइस अभी फर्स्ट थी, अभी देखते हैं इसके आगे कौन सी और मूर्ति है। तो गाइस हम लोग अभी आ चुके हैं सेकंड गली में, मतलब उसकी बाजू वाली गली में। अभी देखते हैं यहाँ की कौन सी मूर्ति है। तो ये गाइस यहाँ पे कुछ मतलब अलग अलग किले का दिखाया गया है, प्रतापगढ़, विजयदुर्ग का गढ़ अलग अलग, और ये कुछ ऐसा मेरे को लग रहा है शिवाजी महाराज का कुछ है करेक्टर, बहुत अच्छे लग रहे हैं पापा उनका आइडल। और यहाँ पे फोर्ट बना, मतलब फोर्ट बनाया गया है मिट्टी से और घास से, बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी मेरे पीछे थी फोर्थ गली, चौथी गली, अभी हम जाएं पांचवी गली में। गाइस टोटल 14 गली है जैसा कि मैंने आपको बताया था। अभी चलते हैं फिफ्थ गली में, देखते हैं कैसे क्या मूर्ति रहेगी। गाइस यहाँ पे सब मूर्ति एक नंबर यार, क्या बोलते हो, एक नंबर। तो गाइस हम लोग को यहाँ पे एंट्री मिल चुकी है 360 डांस गणपति की, उसको भी स्कैन मार के देखने गाइस, इसमें स्कैन मार के भी देख सकते हैं। अभी वैसे तो हम लोग दर्शन करने जा ही रहे हैं, तो आपको भी दर्शन करवाते हैं। कृपया दर्शन घेऊन पुढे चला। निशान भैया गाइस हम लोग दर्शन करके वापस आ चुके हैं। वैसे अंदर तो मूर्ति मूव नहीं हो रही है, पर आप ये स्कैनर यूज करके देख सकते हो मूर्ति 360 मूव हो रही है। 360 गणपति के दर्शन करने के बाद हम लोग अभी जा रहे हैं सिक्स्थ गली में, और ऐसा कुछ यहाँ पे बना हुआ है मस्त, बहुत अच्छा। और ये है कुछ मुंबई का सम्राट, तो चलिए एंट्री लेते हैं और दर्शन करते हैं, आपको दिखा देंगे गणपति कैसी है। तो गाइस यहाँ पे इतना बड़ा लाइन है, तो हम लोग का VIP पासेस हमको मिले हैं हर जगह से, हम लोग को कुछ ना कुछ जुगाड़ करके इन्विटेशन कर रहे हैं। तो चलते हैं अभी डायरेक्ट अंदर यहाँ से। यूट्यूबर होने का एक छोटा सा फायदा तो हम लोग लेते हैं कि हम लोग को डायरेक्ट एंट्री मिलती है पापा की कृपा, वाहेगुरु जी की मेहर की वजह से। तो इतनी बड़ी लाइन है और हम लोग डायरेक्ट यहाँ से अंदर एंट्री ले रहे हैं अभी। ओ हो 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 गणपति पापा। मुंबई का सम्राट दर्शन करने के बाद अभी हम लोग जाएंगे आगे वाली गली में, देखते हैं कौन सी गणपति अच्छी। अभी ये है एक, तो चलते हैं देखते हैं दर्शन करते हैं होते हैं कि नहीं। तो गाइस अभी आपने जो मूर्ति देखी वो खंडोबा बाबा की मूर्ति है, और 30 फुट की मूर्ति है गाइस, बहुत बड़ी और मूर्ति है। रामायण की कोई स्टोरी है पीछे रावण की, कि रावण का कैसे वध हुआ था और कैसे गलती से उन्होंने रावण ने वरदान गलती से मतलब अपने एटीट्यूड में कैसे गलत वरदान ले लिया था, उसके ऊपर स्टोरी है। और मूर्ति एक नंबर है भाई, लाइन देखो कितनी बड़ी। अभी हम लोग दर्शन करके आए खेतवाड़ी छत तीसरी क्रॉस लाइन, जो कि जय मल्हार ग्रुप था 30 फुट के गणपति जी गाइस। अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे खेतवाड़ी छत लंबोदर, जो कि खेतवाड़ी छत 4th भी क्रॉस लाइन है
तो चलते हैं इसके दर्शन करते हैं और कैसे मूर्ति आपको दिखाते हैं और दर्शन करवाते हैं। कैसे ना हमारे को वीआईपी का जुगाड़ कर ही ले रहे हैं हम लोग लाइन के बिना लगने के पहले ही। तो हम लोग जा रहे हैं अभी अंदर, देखो यहाँ पे भी। तो चलते हैं, आपको भी दर्शन करवाते हैं डायरेक्टली। गाइस मूर्ति देखो, बहुत ज़्यादा प्यारे दर्शन करते हैं। गाइस अभी हम लोग दर्शन करके आए खेतवाड़ी चा लंबोदर, अभी हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे, मेरे पीछे है खेतवाड़ी चा मोरिया। तो यहाँ पे भी हमारी वीआईपी की बात हो चुकी है और चलते हैं डायरेक्ट अंदर और डायरेक्ट एंट्री लेते हैं, आपको आपको दर्शन करवाते हैं भाई। एक नंबर देख रहे हो, आपको दिखाते लाइन कितनी बड़ी लगी पड़ी और आपको डायरेक्ट एंट्री लेंगे डायरेक्ट। यहाँ पे कुछ सेव वाइल्ड लाइफ का कॉन्सेप्ट बने आ गए और यहाँ पे पापा की मूर्ति बहुत ही ज्यादा बड़ी है भाई, बहुत ज्यादा लंबी है भाई। ओहो हो हो भाई, आपको वीडियो में नहीं पता चल रहा है पर बहुत लंबी है। ये कॉन्सेप्ट से कुछ ये समझाने की कोशिश की गई है कि अगर हम जगह हर जगह अगर जंगल खत्म कर देंगे और बिल्डिंग बनाना चालू कर देंगे तो हमारे जंगल के जानवर बाहर आ जाएंगे। ये पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट यहाँ पे बनाया गया गाइस। ये देखो कैसे अपने बिल्डिंग के रेस्ट्रिक्शन एरिया के बाहर ही जानवर घूम रहे हैं, तो ऐसा आने वाला फ्यूचर ऐसा होगा क्वेश्चन मार्क है, तो सेव लाइफ करो गाइस। गाइस ऐसे पिछले साल की भी मूर्ति दिखाई गई यहाँ पे, तो इस साल तो क्रोकोडाइल के ऊपर है, तो लगता है पिछले साल शेर के ऊपर थी और उसके पहले साल चूहे के ऊपर थी, और ये कुछ अलग है। यहाँ पे भी कोई मूर्ति है ना, हर साल कोई ना कोई एनिमल के ऊपर पापा रहते हैं, ऐसे इनका आइडल रहता है मतलब। अभी हम लोग आए खेतवाड़ी चा राजा और यहाँ पे भी बहुत बड़ी लाइन लगी पड़ी है, पर हमारे वीआईपी का अरेंजमेंट हो चुका है, अभी डायरेक्ट यहाँ से एंट्री लेंगे हम लोग। और हमारे भाई है ये, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच सर। अभी चलते गए तो आपको भी दर्शन कराते हैं खेतवाड़ी चा राजा, ठीक है भाई। लगता है आरती चल रही है पर फिर भी दर्शन चालू है, तो अपन दर्शन करके आते हैं डायरेक्ट यहाँ से। वहाँ पे कुछ चंद्रयान 3 को भी ट्रिब्यूट दिया गया है और मूर्ति तो बहुत ज़्यादा बड़ी है गाइस, लिखा हुआ है वहाँ पे 38 फुट। जैसे कि यहाँ पे लाइन लगी पड़ी है पर हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट जाएंगे वापस से महागणपति। चलो गाइस आपको भी दर्शन करवाते हैं, चलो गाइस अपने एंट्री उसके और आपको दिखाते हैं दर्शन करवाते हैं। जैसे कि गाइस तिरुपति बालाजी जैसा बना हुआ है तो बाहर से भी वैसे ही करा हुआ है इन्होंने, बहुत अच्छी लग रही है गणपति बापा। जैसे कि हम लोग अभी दर्शन करके निकले खेतवाड़ी चौक महागणपति के, और गाइस एक यूट्यूबर होने के नाते मतलब ये यूट्यूबर व्लॉग बनाने के नाते ना हम लोग को थोड़ी सी स्पेशलिटी मिल रही है, बापा के दर्शन जल्दी मिल रहे हैं थोड़ा लाइन के लगने के बिना। तो हमारे भाई डेयरिंग कर रहे हैं बोलने के और मैंने उनको आइडिया दिया है बोलने का। आइडिया एक बार इसलिए दिया तो बोलना मेरे को हर बार पड़ रहा है यार, हर किसी पंडाल में जाओ सबसे पहले मेरे को आगे आगे कर देता है कि भाई तुम बोलो। अभी थोड़ी ना मोबाइल की चार्जिंग खत्म हो गई थी मतलब 30% हो गई थी, तो ये जो दुकान मेरे पीछे अभी बंद हुई है, अब भी भाई बढ़ा के गए हैं हमारी वजह से, वो कब से बैठे थे और चार्जिंग में अपने फ़ोन रखा, यहाँ पे चाय वगैरह पिया और अभी हम लोग जा रहे हैं। अभी शायद 10वीं गली चालू है पर हम लोग अभी जाएंगे, देखते हैं कौन सी गली के दर्शन करने हैं। थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, अभी थोड़ी स्टॉप होगी ना तभी हम लोग निकलेंगे। और भाई मज़ा आ रहा है कि नहीं, एक नंबर भाई भी अच्छे से ब्लॉग बना रहे हैं भाई, गणपति दर्शन कर रहे हैं। और खेतवाड़ी में तो फर्स्ट टाइम आया हूँ, मेरे को पता नहीं था कि ऐसी गली होती है जहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ रखते हैं सच्ची में, तो मेरा ये फर्स्ट टाइम था और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। चलो व्लॉग से चक्कर में ना बहुत मेरी ड्रीम्स पूरे कर पाता हूँ, घूमना फिरना जो मेरा
मतलब मेरा सपना है घूमना फिरना इधर उधर, तो मैं घूमता भी हूँ आपको घुमाता भी हूँ साथ में। अभी अभी लोग जा रहे हैं तांडव सर्वजनी उत्सव मंडल, तो चलते हैं यहाँ से एंट्री लेते हैं। चलो भाई आ जाओ। बहुत ही ज़्यादा प्यारी मिलती है इधर भी। वाह यहाँ पे कोई डब्ल्यू शेड रखा हुआ है। एक नंबर, एक नंबर भाई, अमरीक भाई की आदत लगी मेरे को, एक नंबर। तो गाइस बहुत ही प्यारे डिटेलिंग है, देख लो गणपति बापा ने अपने एक दंत क्यों बोलते हैं जैसे गणपति बापा को, तो उनके हाथ में बहुत सारे शस्त्र तो है ही हैं, पर उनका जो मेन एक जो दांत है वो भी उनके हाथ में। बहुत अच्छी लगी मेरे को मूर्ति ये वाली, बहुत ज़्यादा। जब पापा की हर मूर्ति बहुत प्यारी है, पर ये प्रोटेस्ट है। तो गाइस वहाँ पर दर्शन करने के बाद यहाँ पर सामने ही है कुछ खेतवाड़ी चा युवराज, तो हम लोग चलते हैं अभी खेतवाड़ी चा युवराज के दर्शन करने के लिए यहाँ से। सुलैस को आपको भी दर्शन करवाते हैं। कुछ ऐसा नंदी महाराज है यहाँ पे, और कुछ ऐसा शिवलिंग है, और आपको भी गणपति के भी दर्शन करवाते हैं। बहुत प्यारी खेतवाड़ी का युवराज, और ये दर्शन करके बाद अभी आगे चलते हैं। आगे कौन सी और मूर्तियाँ हैं, अभी दो या तीन ही बाकी हैं मेरे को लग रहा है लास्ट टू लास्ट। और अब सबसे लास्ट में है 44 फीट की गणपति बप्पा, तो उनको देखने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और यहाँ पे बारिश पड़ रही है, सब लोग छाता वाता लेके आए, हम लोग छाता नहीं लेके आए यार। तो चलते हैं, थोड़ा भीगते भीगते और दुखते दुखते भी चलेंगे। अभी थोड़ी दूर लगी थी यहाँ पे बनवा रहे चाइनीज पहले, उसके खाने के बाद हम लोग जाएंगे यहाँ पे बापा खेतवाड़ी जा। समुद्र मंथन हो रहा है, ये तो क्या था हमें, ये क्या हे शिव शंकर महादेव, जो इस महासंकट को हर कर सभी को रक्षित कर सकते हो। तो गाइस गणपति बापा के द्वार बंद हो गए। बहुत ज़्यादा प्यारी मूर्ति थी गाइस, और ये समुद्र मंथन के ऊपर था यहाँ पे भी, और ऊपर विष्णु देव थे जो, तो यहाँ पे शंकर भगवान वहाँ से निकले थे, देखो वहाँ से ब्रह्मदेव। सो बहुत ज़्यादा प्यारी मूर्ति थी, ये है बापा खेतवाड़ी चा, और ये दसवीं गली है गाइस, और ये खेतवाड़ी का मेम्बर है वो। आप विजिट तो किया है, ये क्या है। अच्छा इनको बोल रहे हो, ऑडियंस को बोल रहे हो, विजिट जरूर करना गाइस। चलो भाई, चले भाई। हाँ हाँ, गुरजीत सिंह गुलवान भाई, ये लोग भाई, ये देखो अमरीक भाई के कार्ड के पीछे हमने अपना नाम लिख दिया है, गुरजीत सिंह गुलवान। चलो भाई का है और पीछे मेरा है गाइस। बहुत ज़्यादा प्यारी मूर्ति है यहाँ की भी, अभी चलते हैं आगे। तो गाइस जहाँ से हम लोग अभी होके आए पापा खेतवाड़ी चा, यहाँ तक इनकी लाइन लगी पड़ी है, और हम लोग के दर्शन भी हो गए गाइस वीआईपी में। सो अभी चल रहे हैं दूसरी गली में आगे, देखते हैं कौन सी है अभी और क्या ग्रुप का नाम है आपको पता। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 45 फीट की गणपति हमको दर्शन करनी है, मतलब मैं कितना एक्साइट था उसके लिए आपको मैंने बताया था। तो हम वहाँ पर पहुँच चुके हैं मुंबई चा महाराजा। ये देखो गाइस ऐसे अपने सामने को जाए, और अमरीक भाई, और इधर का पीछे बोर्ड लगा हुआ है भाई 45 फीट की। इधर भी हम लोग वीआईपी में जा रहे हैं गाइस, ये देखो इतनी बड़ी लाइन लगी पड़ी है, ये देखो बहुत बड़ी लाइन है, छतरी पकड़ के लोग रुके हैं भाई, और हम लोग यहाँ से अभी डायरेक्ट जाएंगे
यूट्यूबर होने का फायदा उठा रहे हैं बहुत ज्यादा। चलो चलते हैं दर्शन करते हैं। ये देखो ये भाई ने हमने को एंट्री दिलाई ऑरेंज ड्रेस वाले ना उन्होंने क्या आपका यही होता है गाइस फायदा यूट्यूबर होने का। इतनी बड़ी लाइन छोड़ के डायरेक्ट वीआईपी एंट्री में जाने का। चलते हैं यार आपको दर्शन करवाते हैं सबसे लंबी मूर्ति का मुंबई का जो कि है 45 फीट। गाइस मेरे सामने है मुंबई का महाराजा सबसे बड़ी मूर्ति 45 फीट। ऐसा कुछ तो थी मैं और सी एम ओहो तो अभी आपको जैसे दर्शन करा है मुंबई का महाराजा का 45 फीट की गणपति गाइस अभी ये दर्शन कर लिए अभी चलते हैं और देखते हैं और कितनी मूर्ति से यहाँ पे बहुत जितनी भी मैंने अभी तक दर्शन किए सबसे एक नंबर मुझे ये लगी मतलब सब बेस्ट है बापा तो मतलब कंपैरिजन नहीं कर सकते बट ये इतनी बड़ी गणपति 45 फीट की। तो चलते हैं यार और आगे आगे और दर्शन कराते हैं आपको गाइस। हम लोग ने ना बहुत जल्दी जल्दी दर्शन कर लिए ये बात तो अच्छी है अभी 10:30 ही हो रहे हैं तो भाई को मैंने बोला कि जल्दी 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 दर्शन हो गए क्योंकि अभी जैसे जैसे रात हो जाएगी ना तो ये देखो इतने सारी पब्लिक आती रहेगी भाई ये देखो कितनी अभी भीड़ है अभी रात को हमारे तो पब्लिक जागती है ये बोलता है मुंबई सोती नहीं है। हमने मैंने बोला हाँ भाई तुमने सही सुना है कि मुंबई सोती नहीं है। अभी देखते हैं यहाँ पे और भी मंडल बाकी है जितने दर्शन हुए हैं हम आपको भी मैंने ना जितना सुना है कि भाई जो 12वीं गली है ना वो बहुत अच्छी मूर्ति है वहाँ पर बापा की तो ये सामने ही है भाई अब 12वीं गली। चले अभी हम पहुँचे हैं 12वीं गली तो भाई खेतवाड़ी जब 12वीं गली तो चलते हैं अंदर एंट्री लेते हैं यहाँ से अपनी दिया के तो एंट्री बनी हुई है और ऊपर बहुत प्यारा सजाया हुआ है ये देखो बाहर आ रहे हैं लोग और यहाँ से हमारी एंट्री है चलते हैं नहीं ये बाहर नहीं आ रहे ये घूम घूम के ऐसे ऐसे करके जाना है चल जाए देखते हैं और आपको भी दिखा दें आपको भी दर्शन करवा दें गाइस। बाहर सजा के रखा है अंदर से भी बहुत ही प्यारा सजा के रखा है गाइस बहुत अच्छे से मस्त लग रहा है। अभी आगे चलते हैं वहाँ पर बीच में फिर आपको अच्छे से दर्शन करवाते हैं यहाँ से थोड़ा यहाँ से भी देख लो देखो आने जाने का रास्ता हो जाता है चलिए थोड़ा जल्दी कीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो अगर सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल आइकन बजा देना तो गाइस हम लोग खेतवाड़ी से निकल चुके हैं और बहुत प्यारे दर्शन हुए हमारे बहुत मज़ा आया मतलब बहुत ज़्यादा लाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ी वाहेगुरु की मेहर से हम लोग ने कर दिया काम और जल्दी जल्दी दर्शन कर लिए क्योंकि हमको यार वीडियो बनाना था और इतना दूर से आए थे हम लोग तो हमको चाहिए था कि हम सब कवर कर पाएँ इसके लिए ऐसा किया लाइन में लग लग के थे और ही मज़ा आता है। सो यहाँ की वीडियो यहीं एंड करते हैं होप करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं नए ब्लॉग में जब तक के लिए बाय।